न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं बाबा भैरव नाथ का धाम भैरव स्थान। सो गाइस, आप जो ये नदी देख रहे हो ये है इजरी नदी। प्राचीन काल मान्यता के अनुसार कई वर्ष पहले इस इजरी नदी में बाढ़ आया था। तो बाढ़ में बहकर कुछ लड़कियों का शव भी आया था। तो जब गांव के लोगों ने लड़कियों का शव निकालने गए तो उस क्रम में रेत में दबे भैरवनाथ की शिला मूर्ति दिखाई दी थी। और गांव वालों ने तत्काल बैलगाड़ी मंगाकर इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए पास में ही पोलाकरी गांव ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन मूर्ति को लाते ही बैलगाड़ी टूट गई और भी जो साथ में बैलगाड़ियाँ थी वो सब भी टूट चुकी थी। तो लास्ट में गांव वालों ने सोचा कि इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया जाए। फिर एक रात ऐसी आई थी, एक वहाँ गांव के जो निवासी थे उनके सपने में भैरव बाबा आए थे और बोले थे वो कि मेरा जो मूर्ति है उसको तुम जा करके जो कुंड है वहाँ पे, जो मंदिर का जो कुंड है तो वहाँ पे तुम जा करके उसको स्थापित करो। तो फिर जब वो आदमी सुबह उठ करके आया तो देखा कि यहाँ सच में यहाँ पे वो मूर्ति रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद वो जो आदमी था वो इस कुंड के समीप, जो अभी आपको हम कुंड दिखाएंगे, उस कुंड के समीप में जा करके उस मूर्ति का स्थापना कर दिया। और फिर स्थापना होने के बाद जो यहाँ के राजा थे वो कुछ दिन बाद यहाँ पे पूरा मंदिर उंदिर बना दिया। अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं अब आपको यहाँ का व्यू। ये है कालों का काल महाकाल भोलेनाथ। इनका तो इस दुनिया में ही प्रचंड है यूनिवर्स में। ये देख सकते हैं यहाँ शिवलिंग काफी बड़ा है, इसका ऊपर शिवलिंग भी बनाया गया है। और ये है मेन गेट इस मंदिर का। अभी आप जो देख रहे हैं ये है मंदिर का अंदर का व्यू। और यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है और यहाँ पे कहा जाता है कि यह महाभारत काल समय से यहाँ पे काफ़ी रहस्य नई चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको ब्लॉग में कवर करूँगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। यह है माँ दुर्गा का मूर्ति और यह है माँ काली मूर्ति। और यहाँ है शिव जी। और फिर इधर आगे आइएगा तो बजरंग बली का मूर्ति है और लास्ट में सूर्य भगवान की मूर्ति है। सुबह कहा जाता है कि महाभारत कालवास में जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों को जब जंगल में घूम रहे थे तो साथ में माता कुंती भी थी। और जब माता कुंती को अचानक से प्यास लगी थी तो कोई सामने आसपास में पानी का स्रोत नहीं था तो धनुषधारी जो अर्जुन थे उस पांडवों के बीच में जो धनुषधारी अर्जुन थे उन्होंने तीर से जब निशाना मारा था यहाँ पे धरती पे जब ऐसे मारा था तो उसी से जल स्रोत निकला था और उस जल स्रोत से माता कुंती और पांडवों का प्यास बुझा था। तो उस स्रोत के कारण ये कुंड का निर्माण हुआ था। देख सकते हैं ये कुंड
और तो तब से लेकर के आज तक ये कुंड में पानी इसी तरह है। और ये कहा भी जाता है कि ये पानी पूरा गंगा की तरह पवित्र है और इसमें औषधि मतलब बीमारियों से लड़ने वाली शक्तियाँ भी है। अगर आपको कुछ बीमारी है, ऐसा कहा जाता है, वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो इस पानी को पीने से सब बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। आप देख सकते हैं ये पत्थर यहाँ पे नहीं है, ये बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे रखा हुआ है ये पत्थर। और इसके बारे में कहा जाता है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिक्का कॉइन देख रहे होंगे, तो वहाँ पे कॉइन इसलिए है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से इस ऐसे कोई भी सिक्के को ऐसे फेंकते हैं और अगर वो सिक्का उस पत्थर पर जाके रुक जाता है तो आपकी कोई भी जो विश है जो आप मांगे हो वो आपकी शायद विश पूरी हो सकती है। तो आइए आज हम भी ट्राई करते हैं, कुछ मांग के देखते हैं, अगर मेरा सिक्का वहाँ रुक गया तो शायद मेरी भी विश पूरी हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाल लिया, 1 रुपये का सिक्का, और मैं उसको पत्थर पे फेंकने जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे वो रुक जाता है तो शायद मेरे जो भी हम मांगेंगे विश हो शायद वो पूरी हो सकती है। तो आइए देखते हैं, देख रहा हूँ मैं सिक्का, मेरा शायद विश पूरा नहीं होगा। आप भी कभी अगर आप यहाँ आओगे तो ट्राई करके देखना यार, गजब। हम वहाँ तक इसका ऊपर गया लेकिन बताइए अटका नहीं, क्या हो सकता है। चलो तो गाइस एक और बात है कि वो जो आप पत्थर देख रहे थे, वो पत्थर को ऐसा बोला जाता है कि हर शिवरात्रि के दिन रात में वो एक बार चक्कर जरूर लगाता है, वो पत्थर ऐसा बोला जाता है। सुबह चलिए अब हम आपको यहाँ का मेन मंदिर दिखाते हैं, भैरवनाथ का जो मंदिर है वो दिखाते हैं। ये भी एक मंदिर है लेकिन ये हुआ कि मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ भी भैरव बाबा का मूर्ति है, देख सकते सीढ़ी है, कितने सारे पत्थर है। और एक आप यहाँ से शिवलिंग देख सकते हैं, तो आइए अब आपको यहाँ का मेन मूर्ति दिखाते हैं भैरवनाथ बाबा का। सो गाइस जो मैंने आपको बताया था कि ये वही मूर्ति आप देख सकते हैं सामने से कितनी बड़ी है। सो गाइस और मंदिर है वहाँ पे माता दुर्गा का मंदिर है, उसका भी आप लोग दर्शन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ माता दुर्गा का मंदिर मूर्ति है, तो गाइस ये था आज का भैरवस्थान का फुल ब्लॉग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।